आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। इसी दौरान उन्होंने कई बड़े ऐलान भी किए। हालांकि पीएम मोदी के संबोधन पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर प्रधानमंत्री का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि माफ कीजिएगा, लेकिन एक बात तो है, प्रधान जी का हर वायदा जुमला हर क्लेम झूठ की चाशनी में लिपटा होता है। हसनपुर के विधायक तेज प्रताप यादव ने पीएम मोदी का जो वीडियो ट्वीट किया है उसमें साल 2019, 2020 और साल 2021 के संबोधन की एक क्लिप है। इसमें 2019 के संबोधन में प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, केंद्र कालखंड में 100 लाख करोड़ रुपया आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगाए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट, इस पर 110 लाख करोड़ उससे भी ज्यादा खर्च किए जाएंगे। बहुत बड़ी योजना लेकर के हम आपके सामने आने वाले हैं, उसको लॉन्च करने वाले हैं। 100 लाख करोड़ से भी अधिक की योजना लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए। इसी वीडियो को लेकर वरिष्ठ पत्रकार विनोद कापड़ी ने भी ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि 3 साल से एक ही झूठ लगातार, झूठ बोलने का कॉन्फिडेंस देखिए जरा, रत्ती भर भी तना नहीं, ना कोई प्रेशर। जिस तरह से लालू यादव के बेटे और वरिष्ठ पत्रकार पीएम मोदी के वीडियो को लेकर ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पीएम मोदी 3 साल से एक ही वादा कर रहे हैं, वो सोचने पर मजबूर करता है। स्पेशल डेस्क नवदीप टुडे, दिल्ली।